भाई चढ़ाई ना, सही में चढ़ाई एकदम यूं है यूं। तो जो थोड़े बहुत उल्लू उल्लू ड्राइवर हो वो गाड़ी ना लेके आओ भाई। ये थी वो हनुमान जी की जिसे मैं देख कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो अभी टाइम हो गया है अपना 8, तो मैं उठ गया हूँ सुबह। पता नहीं अकेला आदमी कितना ही सो लेगा, समझ नहीं आ रही है सब चीज़ें। अभी टाइम हो गया है चलने का, पहले थोड़ा रेडी हो जाऊँ। ऐसे ही पड़ के सोया था रात को, ऐसे ही उठ गया हूँ। अभी उठता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, फ्रेश फ्रेश हो लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं नारकंडा। तो जैसे जैसे चीज़ें होती रहती हैं वैसे वैसे हम चलते रहते हैं। तो गाइज, आज मैंने मंगाया अपना ब्रेकफास्ट अपने बेड पे। आप लोग देखना चाहेंगे मैंने क्या मंगाया अपने ब्रेकफास्ट में, या फिर मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर दूँ? ओह, मुझे मैसेज आया कि आप देखना चाहेंगे मेरा ब्रेकफास्ट मैंने क्या मंगाया और अपने बेड पे क्यों मंगाया। मैंने बेड पे इसलिए मंगाया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको, आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो, हम आपको बेड में ही पूरी सर्विस देंगे। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने फिर मेरे लिए ब्रेकफास्ट मेरे बेड पे भेजा। बेड पे नहीं रखा, उसने कहा भैया टेबल पे खाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ओके, तो चलते हैं टेबल पे। कहते हैं लेता हूँ अपना, पहले ब्रेकफास्ट दिखा देता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या आया है। ये मेरी कॉफ़ी है, चम्मच देखो, एक इंसान के लिए तीन तीन चम्मच फेंक दिए। ये मेरा सैंडविच है, वो मेरा पोहा है। तो मैं करता हूँ, मैं आप सभी कीजिए इसको एंजॉय, तब तक मैं खा लेता हूँ अपना खाना। तो मैं आपका अपना अमित मलिक हो गया हूँ रेडी। तो अभी मैंने जो ये पहना हुआ है, ऊपर और नीचे पहनी हुई है, निकल के इसलिए पहनी है क्योंकि मेरे को अभी बस गाड़ी चला के नारकंडा तक जाना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना थोड़ा सा पहले कंफर्टेबल हो जाऊँ और उसके बाद जैसे मैं होटल पहुंचूंगा वहां जाके अपने कपड़े चेंज कर लूंगा। हाउ इज माई आइडिया कि जैसे ही और नारकंडा जाने के बाद अपने कपड़े वपड़े चेंज करके फिर कुछ टेम्पल्स है और लेक भी बताइए वहां पे, चलते हैं। अपना गाड़ी निकालता हूँ और चलता हूँ। सो हे गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। चेंज किस लिए है क्योंकि मैं कल शिमला मॉल रोड पे था, तो मैंने वहां पे ना हनुमान जी की बहुत प्यारी मूर्ति देखी थी। वहाँ से बिल्कुल आप देखोगे ना तो सामने दिखती है। तो मैं आज जब सुबह उठा तो मैं पहले सोच नारकंडा जाऊँ, फिर मैंने होटल वाले भैया से पूछा कि भैया मैंने ना कल वहाँ पे एक मूर्ति देखी थी हनुमान जी की, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई यहाँ से ना बस वो 20 ही मिनट की दूरी पे आपसे। तो मैंने यार बढ़िया है, तो मैं पहले सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले करूँगा हनुमान जी के दर्शन, उसके बाद जाऊँगा फिर नारकंडा। तो चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। जोर से बोलो जय बजरंग बली। जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे आना चाहते हैं वो, ये जो भीड़ है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ भीड़ एक बार। जो ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, यहाँ पे पूरी पूरी पार्किंग है। ये बस लोग अपने 100 रुपये बचाने के चक्कर में यहाँ लगा देते हैं, तो ना पार्किंग में लगाना मस्त गाड़ी। भाई चढ़ाई ना, सही में चढ़ाई एकदम यूं है यूं। तो जो थोड़े बहुत उल्लू उल्लू ड्राइवर हो वो गाड़ी ना लेके आओ भाई। आपके जो मेरा कौन आपसे बात कर सकता हूँ मैं? नहीं, मेरे हैं, मेरे बजरंग बली जी भी हैं, मेरे साथ बैठे रहते हैं हमेशा, बल्कि मेरे साथ ही रहते हैं। मैंने जब जब उनको दिल से कुछ बात बोली है, उन्होंने मेरे को हर एक चीज़ दी है। वो पूरी सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यहाँ से है 65 सीढ़ियाँ ये वाली, यहाँ लगाई है गाड़ी वहाँ पर पार्किंग में। यहाँ पे कैफे भी है। नहीं, तो ये है मंदिर, कितना प्यारा मंदिर है भाई। बजरंग बली, ये थी वो हनुमान जी की जिसे मैं देख कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। दर्शन हो गया बजरंग बली जी की, और जो मन को सुकून मिला ना, मैं कह नहीं सकता। मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, तो ये लिए दो सिम, हर्ष मोहित के लिए लिया है, और सिम अपने लिए, सिम अपने लिए। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से नारकंडा, मेरा यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता। तो चलते हैं नारकंडा, एक बार फिर से वो जोर से लेते हैं नाम, जय बजरंग बली। तो यहाँ से भाई नीचे उतरना, नीचे उतरना भाई एकदम सीधी ढलान है, कह तो रहा था ऊपर चढ़ना और नीचे उतरने के लिए भाई बड़ी ही, पर शांति मिलती है मन को यहाँ पे। क्या ही व्यू है साइड का भी। ये यहाँ से ये व्यू है, और ये है होटल, ऊपर भी है कि अगर आपको ऊपर लेटना है तो ऊपर। ये ऊपर वाला हिस्सा भी हमारा ही है। नाइस भाई, पैसे पूरे हो गए, पर इसके लिए चाहिए होते मेरे को बहुत सारे लोग की यहाँ पे,
कितना हमारी पूरी टीम आती ना तब जाके अच्छा था। अब अकेले के लिए ऊपर वाला भी नीचे वाला भी सब मेरा इनसे बात करता हूँ, किसी को एडजस्ट कर देंगे मेरे साथ। तो मैं अभी जा रहा हूँ एक टेम्पल पे, हार्ट टेम्पल करके, तो वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ का व्यू बड़ा अच्छा होता है कि वहाँ पे 360 व्यू होता है। तो अभी मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ, कपड़े चेंज किए हैं अभी, थोड़ा सा चेंज है, नीचे पजामा पहना है, ऊपर टी शर्ट है, ये अपनी हुडी ले लिया मैंने, कल हुडी नहीं ली थी, कल मैं बहुत छोटी हुडी लेकर निकल गया था यहाँ से। तो आज पहले पूरे जाप्ते के साथ अभी चल रहा हूँ और ठंड है। अगर अभी कोई मेरा भाई बंधु आ रहा है तो अभी कृपया करें अपने सर्दी का सामान लेके आए और यहाँ आ सकते हो आप, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी जगह। तो जी हम चले आए अभी हार्ट टेम्पल, हम चले मतलब हम सब चले, मतलब कि मैं चला, आप चले, सब चले। तो मैं भी निकल लिया हूँ टेम्पल के लिए, टेम्पल जाऊँगा या लेक जाऊँगा वो अभी यहाँ से बाहर निकलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से निकलना ही 4 किलोमीटर दूर है और रास्ता है ऐसा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता कैसा है, रास्ता है थोड़ा सा ऐसा, फोकस, शाबाश शाबाश, हाँ ये वाला रास्ता आप देख पा रहे हो जैसे कि मैंने आपको आते हुए दिखाया था। तो यहाँ से जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी आई कैन डिसाइड कि मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं, क्योंकि रात के टाइम मेरे को नहीं लगता यहाँ पे आना इतना मेरे लिए बेटर आइडिया होगा। सो अकॉर्डिंग टू टाइम आई विल डिसाइड। ओह माय गॉड, माय इंग्लिश, अकेला आदमी, इंग्लिश नॉट इंग्लिश, इंग्लिश अकेला आदमी अपनी अंग्रेजी भी अच्छी कर रहा है। दैट इज माय बॉय, ये मेरा निर्णय सबसे गंदा निर्णय। लेक के पास आता, अभी लेक दिखाऊंगा लेक कैसी है, बट कोई नहीं, अब आ गया हूँ, करता हूँ एंजॉय थोड़ी देर, बैठता हूँ कुछ ध्यान लगाता हूँ कहीं पे। तो मैं चलता हूँ अभी अपनी लेक पे, तो लेट्स गो गाइस। ये है वो लेक, सुंदर है। सॉरी मैं अंदर गाड़ी के बैठ के कुछ और ही कह रहा था, यहाँ बस बैठ के आप थोड़ी सी शांति प्राप्त कर सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा भी है। तो अभी मैंने लेक का एक चक्कर काटा यार, ठीक है, शांति है, इतना कुछ वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या कुछ और भी है। तो अभी नेक्स्ट लोकेशन यहाँ से है 40 मिनट्स का टेम्पल, मैं वहाँ चली जाता हूँ क्योंकि और तो कुछ है नहीं करने को, सनसेट देख लूँगा, 6:16 पहुँचा रहा है, तो लेट्स टेक अ ड्राइव। तो गाइस जो मैंने निर्णय लिया था कि मैं अपने मंदिर जाता हूँ पहले, तो मैं अभी जा रहा हूँ हार्ट टेम्पल करके कुछ है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। और वहाँ जाते जाते मेरे को भी इतनी खुशी हो रही है ना, खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि यही सेम रास्ता घर का है, तो ये मेरे साथ हो गया सोने पे सुहागा, मतलब जहाँ जाना था वहीं जा रहा हूँ और मैं टेम्पल भी चला जाऊँगा, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, दैट्स नाइस। तो अभी चलते हैं मंदिर, और मंदिर का वहाँ बता था कि वहाँ का व्यू है 360, तो मैं जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। और अगर अभी मेरे को दिखा रहा है 6:21 तक मैं पहुँच जाऊँगा, तो 6:21 तक अगर पहुँच जाता हूँ तो आपको सनसेट भी दिखा दूँगा, तो दोनों चीज़ हो जाएंगी, सनसेट भी देख लेंगे और मंदिर भी देख लेंगे। ये रास्ता से जाने का, ये मोनेस्ट्री ऊपर मंदिर टेम्पल है, टेम्पल है शायद, ये मुझे मेरा नया दोस्त मिला यहाँ पे, तो मेरे साथ चल रहा है तब से। ये टेम्पल है, ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, ठंड होते मैंने तो अपनी जैकेट पहन ली, कोई नहीं। और यहाँ पे अभी अकेला मैं ही हूँ, अब आवाज़ अगर फील कर पा रहे हो तो आवाज़ बस फील करो कि कितनी प्यारी हवा चल रही है और एक सुकून है, जो एक सुकून कहते हैं ना वो यहाँ पे पूरा सुकून है। यहाँ से ऐसा आता व्यू 360, ये मेरा दोस्त जैसे तो ऊपर आ गया, बादलों के एकदम, देखो बादल कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे बादल ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर हूँ। हाँ बेस्ट जी, कम फ्रेंड, हेलो बेस्ट फ्रेंड, इसे देख, नो इंटरेस्टेड, फोटोज माने के लिए सब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट आई लव यार, डॉग्स बहुत ही प्यारे होते हैं। इसको मेरे से कोई लेना देना नहीं था, ये ना मेरे को जानता था, ये मेरे पास आया था बस मैंने इसको पुचकारा था, यहाँ तक मेरे साथ ऊपर आ गया। ओ, 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 ओ,
क्या ही ठंड थी भाई, क्या ही ठंड है भाई। मंदिर भी बढ़िया, यहाँ पे भी आप आ सकते हो, व्यू बड़ा प्यारा है। अगर मैं आधा एक घंटा लेट हो गया, अगर आप एक घंटा पहले आ सकते हो तो आ जाना और एक्सप्लोर करें नई नई चीज़ें। मेरे को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, मैं शिमला आया था पहली बार, मैं शिमला से दूसरी बार आया था, मैं मोहित के साथ शिमला, या पता नहीं पहली बार जो भी था मैं शिमला आया था। उसके बाद हम शिमला से चले जाया करते हैं, हम जहाँ घूमने गए थे स्पीति वहाँ गए थे। अब की बार थोड़ा शिमला से आ गया है 70 किलोमीटर। क्या ही व्यू है यहाँ पे, क्या ही नज़ारे हैं, ऐसा मन कर रहा है ये कुछ दिन यहीं पे रह जाऊँ, बट नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो अलग चीज़ है। सो आई एम बैक टू माई होटल होम, इसको जो भी बोलना है, एक दिन की स्टे, बट ये बहुत प्यारी है नो डाउट। तो बहुत ही थका भरा दिन रहा, दो तीन चीज़ें एक्सप्लोर करी। सबसे पहले सुबह उठा, हनुमान जी के मंदिर गया जहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा सुकून मिला। उसके बाद मैं नारकंडा आया, सबसे पहले होटल में चेक इन किया, आधा घंटा रेस्ट किया हुआ, उसके बाद मैं निकल गया था सबसे पहले लेक के लिए, उसके बाद फिर मैं मंदिर गया, उसके बाद वापस आया हूँ अपने दोबारा होटल। तो अभी मैं खाना के लिए, उनका भैया का फ़ोन आया था, तो खाना मैंने बोला है दाल मखनी और पनीर, तो वह खाते ही मैं सो जाऊँगा। तो आई होप गाइज आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं नहीं बोलूँगा यार, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, वो आपका खुद का हक बनता है कि मैं वो सब करूँ, आप वो सब करो। तो गाइज ऐसे बस अपना प्यार देते रहिए, तो मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बस जो मैं नहीं बोलना चाहता वो सब आप कर देना। लव यू ऑल और जय बजरंगबली।